अलीगढ़ में फिल्मी अंदाज में पुलिस की वर्दी पहनकर असलाहधारी बदमाशों ने व्यापारी को उसी की गाड़ी में किडनैप किया और व्यापारी के मोबाइल से पत्नी को फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। घंटों घुमाने के बाद पत्नी से फिरौती के 6 लाख रुपए वसूल कर व्यापारी को रिहा किया। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर आला अधिकारी और पुलिस पहुंची। फिलहाल बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला अलीगढ़ की इगलास कोतवाली के भौरा गोरवा स्थित हरी लक्ष्मी एलॉयन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुरेंद्र चंद जिंदल आज सुबह 8:30 बजे अपने सीएल पाड़ा अलीगढ़ से ब्रेजा से भौरा गोरवा स्थित फैक्ट्री जा रहे थे। अपनी कार ब्रेजा से जा रहे थे। रास्ते में दरअसल एक मोड़ से आगे जाकर पीछे से आ रही स्कॉर्पियो ने ओवरटेक किया और स्कॉर्पियो सवार 4 पुलिस वर्दीधारी बदमाशों ने ओवरटेक कर गाड़ी को रोका और बदमाशों ने कहा कि वो SOG पुलिस टीम से हैं। व्यवसायी से कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है, थाने चलो। व्यापारी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए। जब गाड़ी थाने में नहीं रुकी तो व्यापारी को शक हुआ। विरोध करने पर उसके साथ मारपिटाई हुई और उसके बाद व्यवसायी के ही फोन से उनकी पत्नी को फोन कर पहले 20 लाख रुपए की मांग की। पत्नी ने लॉकडाउन की बात कहते हुए धनराशि देने में असमर्थता जताई। अंत में 10 लाख रुपए की बात कही। फिर इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने 5 लाख रुपए लेकर अपने नौकर के साथ स्कूटी से बदमाशों की लोकेशन पर वो घूमती रही। अंत में हाथरस रोड पर भट्टा के समीप फिरौती में 6 लाख रुपए लेकर व्यवसायी को छोड़ा गया। घटना के संबंध में रिपोर्ट कोतवाली पुलिस को देकर फिलहाल अब इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है। हेलो, मिंकू से बात करा दो। क्या हुआ? हेलो। हाँ हाँ राय, मुझे है ना जे उठा ले गए हैं। कौन? वहाँ पे फैक्ट्री के बाहर, फैक्ट्री के। हाँ हाँ बोलो, कौन उठा ले गए? पुलिस पुलिस के, पुलिस की वर्दी में थे ये लोग। हाँ हाँ हाँ। और जो कह रहे, क्या कह रहे? दूसरे को बेच पकड़ को, दूसरे को बेच देंगे हम। अच्छा, तो जो करे 15-20 लाख रुपए का जाम कर लाओ। हाँ, कहाँ पे? अच्छा, है ना। हाँ, तो इनको देख करके देख लो। क्या कह रहे हो? 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो मेरी बात तो करा दो। लो बात कर लो। लो बात करो दीवान। हेलो। हाँ भाई साहब, कैसा है? कैसे हो भैया? अब लॉकडाउन है, जो भी तुम कहोगे हम तक कंसेशन करके इन्हें छोड़ दो। हम जो पैसा दे दोगे? कितना? 20 दो। 20 दे। बता भाई साहब, इधर लॉकडाउन, सुनो भाई साहब, लॉकडाउन है, कैसे हुआ पैसा हमारा? हम इंतजाम कर लेंगे, जितना हो हम तुम्हें दे देंगे। हम तुम्हें 5 लाख दे देंगे। हम अभी हाउस रिश्तेदार से मांग के तुम्हें हमें 5 लाख दे देंगे। तुम्हें ना छोड़ दो। 20 दे दो, 20 हम छोड़ देंगे। हमारे पास देखो, लॉकडाउन है, बेचारा हमारा लड़का कोरोना है, वो सारा पैसा वहाँ पे खर्चा है वो, तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे देंगे। मैं तुम्हें दे दूंगी, लड़का लड़का को बताऊंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। वैसे तुम 5 लाख रुपए ले लो। मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, 20 दे दो, हम छोड़ देंगे। नहीं भाई, जैसे समझ लो, कंसेशन कर लो। मुझे पैसा कहाँ से आए? मैं ऐसे लॉकडाउन में कहाँ से लाऊं पैसा? चलो 10 दे देना, ठीक है। मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम मुझसे 5 लाख रुपए ले लो, अभी ले लो। मैं अभी आ जा रही हूँ, बताओ कहाँ पे पहुँचा हूँ। 5 लाख देने के लिए यार, मेरी बात सुनो। 15 मैं अभी तुम्हें ला के दे रही हूँ, मैं अपने भैया से मांग के ला रही हूँ। मैं अभी नेक्स्ट टाइम दे दो, बताओ कहाँ पहुँचा रहा हूँ। कल लाओ, चलो 10 ले गया, छोड़ देंगे इसे, ठीक है। बता, मैं तो अभी तुरंत भाई साहब, जो 5 से ज्यादा मिल गए तो जो कहोगे 16 लाख तो मैं दे दूंगी। मेरे मेरे लड़का को कोरोना है, वो है तो मैं वहाँ में पैसा खर्चा हुआ मेरा। परेशान मत हो, 10 लाख रुपए ले आना और हम तुम्हें इसे छोड़ देंगे। 4 आदमी थे जो पुलिस की वर्दी में थे, एक बिना वर्दी में था, और जबरदस्ती आके मुझसे कहने लगा कि माइक ला पेपर। और मुझे, मैंने की कि मेरे खिलाफ है तो मुझे FIR दिखाओ। उन्होंने, ये इगलास थाना क्षेत्र में पड़ता है, इगलास अलीगढ़ इगलास रोड पर। तो व्यापारी हैं, अलीगढ़ के रहने वाले, उनकी फैक्ट्री है यहाँ पर, फर्नीचर की फैक्ट्री है। इनके साथ ये सुबह घटना हुई थी जिसमें कि इनके
जब ये सुबह फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने बताया कि एक स्कॉर्पियो में कुछ तीन चार लड़के थे,